पे सब आराम से बैठे हुए हैं। ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल प्लीज यूज हेलमेट में। मैं विजय कुमार जी आप सभी का स्वागत करता हूँ। मैं आज पहुँच चुका हूँ कवर्धा का भोदम देव, जो कि इसको खजुराहो भी बोला जाता है, बहुत फेमस मंदिर है। तो आज हम आपको भोदम देव भगवान जी के दर्शन कराने वाले हैं और आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। ब्लॉग में आप कंटिन्यू बने रहिएगा और हमारे पीछे आप लोकेशन देख रहे होंगे, कैसा लोकेशन है, प्यारा सा दिख रहा है आपको, पूरा पहाड़ी लोकेशन है और यहाँ पर बहुत सारे लोग श्रद्धालु लोग आए हुए हैं भोदम देव शंकर भगवान जी के दर्शन करने की। सावन का महीना, सावन में सब लोग दर्शन करने आए हुए हैं, घूमने आए हुए हैं। तो चलिए आपको लेके चलते हैं भोदम देव के दर्शन कराते हैं। ये जा रहे हैं जल चढ़ाने के लिए, ये दे सकते सब लाइन से। बोल बाप बोल बाप। पहले जाएंगे भोदम देव महादेव का दर्शन करने, उसके बाद में जाएंगे मड़वा महल, उसके बाद फिर निकलेंगे सरोदा डैम, लास्ट में रहेगा रानी धारा। रानी धारा तो इतने लोकेशन आज हम लोग विजिट करने वाले, टोटल मतलब चार लोकेशन विजिट करने वाले। अभी हम लोग खड़े हैं धंधा में, तो धंधा में हम लोग यहाँ पे करने वाले नाश्ता पानी, तो राहुल लोग करने वाले हैं। मैं तो नाश्ता कर चुका हूँ, बहुत अच्छा चाय। और आप देख सकते हैं मॉर्निंग के टाइम का नज़ारा है, शंकर भगवान जी के दर्शन करने के लिए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारी दुकानें, स्टॉल लगे हुए हैं, खाने पीने की सामग्री, चंदन माला वाला आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ये देख सकते हैं पूजा सामग्री की दुकानें, प्रसाद की दुकानें हैं। यहाँ पे बहुत सारे कांवर वाले भाई लोग भी आए हुए हैं, देख सकते हैं। गेट है और बगल में है भाई नौका विहार जो कि चल रहा है, आपको दिखाएंगे, वो भी नौका विहार भी दिखा देंगे। और ओ भाई क्या भीड़ है, लंबी लाइन लगी हुई है। सब लोग नौका विहार करने के लिए जा रहे हैं, ये देखिए। और उस साइड एक नाव का बिहार, एक वो है, एक वो है, वो एंट्री गेट है। एक ये है लेडीज लोग के लिए, महिला लोग के लिए और जेंट्स लोग के लिए। आगे से तो हम लोग जेंट्स वाले हैं, तो जेंट्स वाले में से जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना लंबा लाइन है भाई साहब, कितना लंबा लाइन है, तो आपको हम दिखा देते हैं। उसके बाद फिर हम भी लाइन में लगेंगे भोदम देव भगवान जी के दर्शन करने के लिए। तो ऐसा कुछ प्यास है यहाँ का नज़ारा। ये मेरा सेकेंड विजिट है यहाँ पर भोदम देव में, खजुराहो भी बोला जाता है क्योंकि ये खजुराहो के नाम से भी फेमस है यहाँ का ये मंदिर। भोदम देव जी के दरबार में चलते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या भाई भीड़ है, देख सकते हैं कितना ज़्यादा भीड़ है, बहुत ज़्यादा। और जब हम लोग फर्स्ट टाइम आए थे फर्स्ट लॉकडाउन में, तो उतना ज़्यादा भीड़ नहीं थी। और यहाँ पर अभी आप देखिए कितना ज़्यादा भीड़ है भाई, बहुत ज़्यादा। और इधर सब लोग कांवर लेके आए थे और यहाँ पर सब आराम से बैठे हुए हैं, ये देख सकते हैं, देख सकते हैं कितना ज़्यादा भीड़ है यहाँ से। ये भीड़ देखिए, देव भगवान जी का मंदिर, ये देख सकते हैं भोदम देव जी का मंदिर है ये प्यासा। और माहौल देख सकते हैं आप क्या माहौल है भाई, भीड़ बहुत सारे श्रद्धालु लोग आए हुए हैं। तो चलिए चलते हैं बाबा जी के दर्शन करने। तो ये देख सकते हैं भाई साहब, ये कितना पुराना मंदिर है, हजारों सालों पुराना मंदिर है, कितना प्यारा लग रहा है। उधर आप भीड़ से देख सकते हैं क्या कड़ा भीड़ है भाई, देख सकते हैं ये भीड़। तो चलिए अंदर चलते हैं अंदर की ओर। हर हर महादेव। बहुत सारे पुराने ज़माने के हज़ारों साल पुरानी प्रतिमा यहाँ पे आपको देखने मिल जाएंगे। तो चलिए चलो चलते हैं दर्शन करने, चलो चलो चलो। तो हम आ चुके हैं अंदर की ओर। जय हो शंकर भगवान की। चलिए चलिए पीछे भी कई हैं, तो उनके दर्शन कीजिए। हमारे वीडियो के माध्यम से घर बैठे दर्शन कीजिए भोदम देव भगवान की। जय भोदम देव भगवान, देख सकते हैं कितने प्यारे, देखिए यहाँ पे पूजा पाठ हो रही है, तो जो हमने दर्शन कर लिए। चलिए बढ़ते चलिए, बढ़ते चलिए।
चलिए चलिए भाई, हमारे दर्शन हो चुके हैं, अब हम लोग आ चुके हैं बाहर। भाई साहब क्या भीड़ है, अभी क्या मैं आपको बताऊँ, बहुत ज़्यादा इस बार बहुत ज़्यादा भीड़ है, तो इसलिए बाहर चलते हैं। बजरंग बली जी के भी दर्शन करते हैं। तो ये रहे बजरंग बली जी, तो हमारे वीडियो के माध्यम से घर बैठे बजरंग बली जी के भी दर्शन कर लीजिए। ये रहे बजरंग बली जी। तो गाइस आप देखिए, यहाँ पे सब अलग अलग प्रकार की पूरी प्रतिमाएं बनाई गई हैं, ये देख सकते हैं क्या सुंदर सुंदर सी। और मंदिर देखिए कितनी प्यारी मंदिर है ये, कितना और हजारों साल पुराना ये मंदिर है। देख सकते हैं ये पूरा लेडीज लोग की लाइन है, यहाँ पे देखिए कितना ज्यादा भीड़ है, देख सकते हैं। यहाँ पे भीड़ देख सकते हैं, कितने सारे श्रद्धालु लोग आए हुए हैं, जो कि सावन का महीना चल रहा है। और अभी ये जो भीड़ है बहुत कम है श्रद्धालु लोग, नहीं तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे खचाखच भीड़ भरा रहता था। यहाँ की जो प्रशासन लोग हैं, यहाँ के जो कार्यकर्ता लोग हैं बता रहे थे ऐसा कुछ पूरा भी नज़ारा है। और हजारों साल पुरानी ये मंदिर है भोरन देव का, जो कि इसको एक सेकेंड खजुराहो भी बोला जाता है। ऐसा गार्डन है और यहाँ पे बहुत सारी पब्लिक बैठी हुई है, देख सकते हैं आराम कर रहे हैं, विश्राम कर रहे हैं। इस साइड आप देख सकते हैं, ये देखिए ये हैं माँ चामुंडा देवी जी, तो इनके भी आप दर्शन कर लीजिए हमारे वीडियो के माध्यम से घर बैठे। ये देख सकते हैं जय माँ चामुंडा माता की। तो गाइस मैंने आपको भोरन देव जी के दर्शन करा दी कवर्धा में, जो कि फेमस मंदिर है। तो आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, हर हर महादेव।